आजकल दिल्ली के लोकल बाजारों में आने वाले लोगों की तादाद में भारी गिरावट आई है, खासकर कि कोविड-19 के बाद से यहाँ के बाजारों की हालत और भी ख़राब है। क्या इसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग जिम्मेदार है? आइए आज हम दिल्ली के किदवाई नगर आए हैं, यहाँ के दुकानदारों से उनके विचार पूछें। ऑनलाइन से कभी तकरीबन काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें मार्केट में आगे बंदा लेता था, ऑनलाइन से है कि बंदा फ़ोन कर रहा है, फ़ोन पे चीज़ें मिल रही हैं सारी दुकानों पे, मार्केटों पे तो असर है इस चीज़ का। ये तो है कि जो तकरीबन जो बिजनेस जो पहले हमें मिलता था वो आज की डेट में नहीं मिल पा रहा है। असर तो बहुत पड़ा है, खाली खाली से बैठे रहते हैं पूरा दिन, और स्टाफ है हटा भी नहीं सकते, जिस हिसाब से पहले था हम लोगों के जैसे खर्चे हैं वहीं के वहीं हैं, बिजनेस नीचे आ चुका है। अब देख लो, अब ये पूरी शॉप है, हम इस टाइम खाली बैठे हुए हैं, ये पूरा स्टोर है, मेरे पास 3 स्टाफ काम करते हैं, बस चल रहा तो चल रहा, अब क्या कर सकते हैं इसमें। अगर कस्टमर को तो अगर कोई सस्ता सामान दे रहा है तो कस्टमर तो ठीक है अपनी जगह पे, कस्टमर जो है सारी चीज़ घर बैठ के ऑनलाइन मंगाता है, जो यहाँ मिलती है चीज़ें जो वहाँ नहीं मिलती हैं तो यहाँ लेने के लिए आता सिर्फ खाली। जैसे ये कॉम्प्लेक्स मार्केट बनी हुई, इतनी बढ़िया बनी हुई, अगर यहाँ पर कस्टमर पूरी शॉपिंग करे तो कस्टमर दुकानदार को टाइम नहीं मिलेगा खाली बैठने का यहाँ पर, तो फ़र्क तो है इस चीज़ का ऑनलाइन का। और आपको लगता है इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए ऑफलाइन दुकानदारों का काम बचाने के लिए? कुछ आइटम का सरकार को बंद ही करना चाहिए ऑनलाइन का देखा जाए तो, क्योंकि कस्टमर को भी वो जो इम्प्रेशन है वो गलत पड़ा उस चीज़ पर मंगाने के बाद उसका। इलेक्ट्रिक की आइटम हो गई, कपड़े की आइटम हो गई, मंगवा तो लेते हैं लेकिन चीज़ कुछ और मंगाते हैं, निकलते कुछ और है, तो शॉप से तो लेके जाएंगे वो सामने देख के लेके जाएंगे चीज़, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ। फैक्ट तो पड़ रहा है, बेसिक जो है ना, जितना भी ऑनलाइन बिजनेस है वो जो मार्केट है उसको अफेक्ट कर रहा है। ओके, हाँ, और इसमें प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट वो देते हैं उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कैसा किस हालत में है, क्या उसका स्टैंडर्ड है, और वो जो रिटर्निंग में भी उनकी प्रॉब्लम होती है। पिछले 3-4 सालों में ऑनलाइन व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि दूसरी तरफ ऑफलाइन व्यापार में भारी गिरावट आई है। ये सिर्फ दुकानदारों का कहना नहीं है, कुछ आंकड़े भी हैं जो इस बात को साबित करते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो कि 40,000 ट्रेड एसोसिएशंस और 7 करोड़ सदस्यों का एक समूह है, इनके अनुसार 2022 के जनवरी के महीने के पहले 15 दिनों में ऑफलाइन व्यापारियों ने अपना 50% व्यापार खो दिया था। एक और रिपोर्ट जो कि बेन & कंपनी द्वारा जारी की गई थी, उसके अनुसार भारत ऑनलाइन व्यापार के लिए पूरे विश्व में 30वीं सबसे बड़ी मार्केट है, जिसके 2021 में 180 से 190 मिलियन ग्राहक थे। ये संख्या 2027 तक 400 से 450 मिलियन तक पहुंच जाएगी।